एवरीवन, दिस इज दीपायन, वेलकम टू माय चैनल योर हॉस्पिटैलिटी ट्रेनर। सो आज जो मैं बात बताऊंगा वो बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स का बहुत ही ज़्यादा स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन है क्रूज लाइंस को लेके। क्रूज लाइंस के लिए मेरे पास पहले भी मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर, क्रूज लाइंस के ऊपर, लेकिन वो उतना भी डिटेल्स नहीं था जो आज मैं बताने वाला हूँ। सो आज मैं डिटेल्स में ये टॉपिक कवर करूँगा इस वीडियो में। सो इस वीडियो को पूरा देखना, और जैसे मैं हर टाइम बोलता हूँ, आई डोंट वेस्ट योर टाइम, सो लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइस, सबसे पहला बात, क्रूज लाइंस में चांस मिलने का एग्जैक्ट टाइम क्या है? सो देखिए, ये जो क्रूज लाइंस है ना, ये क्रूज लाइंस में आपका जो मतलब आपको चांस मिलने का जो एग्जैक्ट टाइम है वो है आप अपना कोर्स कंप्लीट करने के बाद, चाहे आप डिप्लोमा कीजिए चाहे आप डिग्री कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, लेकिन करने के बाद होटल इंडस्ट्री में आपको मिनिमम 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना बहुत ही जरूरी है। 2 इयर्स एक्सपीरियंस कोई भी एक 5-स्टार होटल से लीजिए, होटल इंडस्ट्री में आपको 2 इयर्स मिनिमम रहना जरूरी है। और उसके बाद एक्सपीरियंस हो जाने के बाद क्रूज लाइंस में एक फॉर्म निकलता है, क्रूज के लिए एक फॉर्म निकलता है जो आप लोग अप्लाई कीजिए। अप्लाई करने के बाद आप लोगों को इंटरव्यू देना पड़ेगा। इंटरव्यू में अगर आप लोग अच्छा मतलब क्या इंटरव्यू आप लोग क्रैक किए, फिर आप लोगों का फिजिकल चेकअप होगा, फिजिकल या मेंटली। सो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि क्रूज लाइंस में आपको बहुत ही फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है यहाँ पे आपको। तो इसके बाद क्या होता है, इंटरव्यू लेने के बाद अगर आप फिजिकली मेंटली अगर दोनों तरीके से अगर आप फिट हुए तो आपका क्वालिफिकेशन होगा, वैसे ही आप लोगों को क्वालिफिकेशन मिलता है, चांस मिलता है क्रूज में जॉब करने का। और यहाँ पे स्टार्टिंग सैलरी क्या है, स्टार्टिंग सैलरी है आपका 40,000 to 50,000 पर मंथ, 40,000 to 50,000 पर मंथ। क्रूज लाइंस में स्टार्टिंग सैलरी 40,000 to 50,000 पर मंथ। बट देखिए, जैसे 5-स्टार होटल्स में होटल टू होटल वैरी करता है सैलरी, किसी होटल में इतना देता है, फॉर एग्जाम्पल मैरियट में इतना दे रहा है, ओबेरॉय में इतना देता है, ताज में इतना देता है, सेम तरीके से क्रूज लाइंस में कोई सिप में इतना देगा, फॉर एग्जांपल 40,000 to 50,000 के पर मंथ, कोई क्रूज में देगा 70,000 to 80,000 पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी, राइट? सो ये तो होता है, ये होता है। सो देखिए, मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपका जो मतलब एग्जैक्ट टाइम जो है आपका क्रूज लाइंस में जाने का वो है आपका आफ्टर कंप्लीट योर कोर्स। आपको कोई भी होटल से, कोई भी 5-स्टार होटल्स का होटल से मिनिमम 2 इयर्स काम करना पड़ेगा, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, उसके बाद फॉर्म निकलता है, फॉर्म अप्लाई कीजिए, फॉर्म फिलअप कीजिए, अप्लाई कीजिए क्रूज के लिए, इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में आप क्वालिफाइड होंगे, देन आपका फिजिकली और मेंटली चेकअप होगा, हेल्थ चेकअप होगा, इंटर बॉडी चेकअप होगा। जैसे देखिए, 5-स्टार होटल्स में भी काम करने के टाइम जब आप लोग ज्वाइन करते हैं उस टाइम भी आप लोगों का हेल्थ चेकअप होता है, इंटर बॉडी चेकअप होता है, राइट? लेकिन क्रूज लाइंस में बहुत ही ज़्यादा चेकअप होता है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब अच्छे तरीके से। अगर आप लोग फिजिकली मेंटली ठीक नहीं रहे, आपका कुछ भी अगर कुछ बीमारी रहा आपके अंदर, तो निकाल दिया जाता है बस। तो यही मैं बताना चाहता हूँ कि यही है, ऐसा ही अप्लाई आपको करना पड़ेगा। आता है बात टाइमिंग्स का, क्रूज लाइंस में एग्जैक्ट टाइम क्या है काम करने का। तो देखिए, मैं यहाँ पे क्लियर बात बताना चाहता हूँ, क्रूज लाइंस में आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या, बहुत ही ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ेगा यार, क्योंकि यहाँ पे आपका शिफ्ट टाइमिंग मिनिमम 12 से 13 घंटा, 14 घंटा भी हो सकता है, 12 से 13 या 14 घंटा भी होता है, ओके? सो यहाँ पे हार्डवर्क करना पड़ेगा, क्रूज लाइंस में हार्डवर्क करना पड़ता है, सब करते हैं। सो आप अगर क्रूज लाइंस में जाना चाहते हैं तो प्लीज़ पहले से एक चीज़ गांठ बांध लीजिए, आपको हार्डवर्क बहुत ही ज़्यादा करना पड़ेगा बॉस। होटल इंडस्ट्री में हार्डवर्क है, लेकिन क्रूज लाइंस जो है, क्रूज लाइंस में आपको हार्डवर्क बहुत ही ज़्यादा करना पड़ता है, होटल इंडस्ट्री से भी ज़्यादा। सो देखिए, यही मैं बात बताना चाहता हूँ, गाइस हार्डवर्क आपको तो करना पड़ेगा क्रूज लाइंस में, लेकिन एक चीज़ है, हार्डवर्क से डरिए मत,
क्योंकि देखिए अगर आप लोग हार्डवर्क नहीं करेंगे तो सक्सेस कैसे मिलेगा। अगर जैसे बोलते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। सो देखिए हार्डवर्क आपको तो करना पड़ेगा। हार्डवर्क आज अगर आप लोग हार्डवर्क करेंगे तो कल आपको सक्सेस मिलेगा। सो सक्सेसफुल बनने के लिए आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा। जिस काम में हार्डवर्क नहीं है, इजीली हो जाता है, वो काम कोई काम नहीं होता है। राइट, आई एम राइट। सो यही मैं बताना चाहता हूँ कि हार्डवर्क कीजिए, हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क भी कीजिए। और यही एक टाइम है, एग्जैक्ट टाइम, यही जो हम लोगों का जो उम्र है ना अभी 22 से 27 साल, 28 साल तक, इसी टाइम में हम लोग हार्डवर्क करते हैं। और अगर हम लोग अभी अगर हार्डवर्क करेंगे तो हम लोगों का जो नेक्स्ट टाइमिंग्स है आने वाला, उस टाइम में हम लोग एक सक्सेसफुल आदमी बन सकते हैं। सो यही था मेरा एक मकसद क्रूज लाइंस के ऊपर वीडियो बनाने का। सो आई होप गाइस यू विल लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक दिस एंड मेक श्योर यू गाइस सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।